स्टूडेंट्स, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स पे रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस यानी कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पर रिलेटेड हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उससे हम लोगों का फिर रे ऑप्टिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी इसी सेशन के साथ, इसी क्लास के साथ हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स पे कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कशन। तो देखो, ये मान लो दो प्लेन मिरर है, दे आर फेसिंग ईच अदर, दोनों का लेंथ इक्वल है, दैट इज 2√3। ठीक है, मान लो एक प्लेट को ए, दूसरा प्लेट को बी नेमिंग कर रहे हैं, दे आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर विद देयर रिफ्लेक्टिंग फेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर फेसिंग ईच अदर एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 0.2 मीटर। कितना है? 0.2 मीटर। अब देखो, कह रहा है कि प्लेट ए का जो एज ऑफ द प्लेट ए है, उस एज ऑफ द प्लेट में ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लेट सरफेस एक इंसिडेंट रे 30 डिग्री विद द नॉर्मल में आके हिट कर रहा है। ठीक है, 30 डिग्री विद द नॉर्मल आके एब्सोल्युटली एट द एज ऑफ द प्लेट ए उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हिट कर रहा है। तो हमको बताना है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस, हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस पॉसिबल। ठीक है, कितना रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। तो देखो, हम लोग इतना जानते हैं कि प्लेन सरफेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है और वो किस तरह से काम करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का 30 डिग्री एंगल पर अगर हिट कर रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगा वो भी 30 डिग्री एंगल पर ही जाएगा। तो ये जो 30 डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाके प्लेट बी को हिट करेगा, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ये मान लो पॉइंट वन, ये पॉइंट टू में हिट किया। ठीक है, अब अगर देखो हम ज्योमेट्री को थोड़ा कंप्लीट करें तो आई नो दिस साइड इज 0.2 मीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से यानी कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एक्स, यानी कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड रिफ्लेक्शन होगा आफ्टर ट्रैवलिंग एक्स डिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द प्लेट। तो हम लोगों को थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज़ करना है। देखो, ये अगर 30 डिग्री है तो आई कैन से दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, दिस साइड इज 0.2 मीटर। तो इस पॉइंट को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ओ अगर कह देता हूँ, तो देखो इन ट्रैंगल, इन ट्रैंगल पी वन ओ पी टू, यानी कि ये जो ज्योमेट्री आया, ये पी वन है, ये ओ है, ये पी टू है, दिस साइड इज 0.2, दिस साइड इज एक्स, दिस इज 30 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से हम मैं लिख सकता हूँ कि टेन 30 डिग्री है ना, टेन 30 डिग्री कैन बी रिटन एक्स बाई 0.2। हम लोग जानते हैं कि tan ऑफ एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस। तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में, 30 डिग्री एक्यूट एंगल के लिए ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड बेस। तो वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3, सो 1/√3 हो गया एक्स बाई 0.2, यानी कि यहाँ से मैं इत्मीनान से एक्स का वैल्यू लिख सकता हूँ, दैट इज 0.2/√3 मीटर। अब देखो, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन इट हैज़ टू ट्रेवल थ्रू एक्स, इसका मतलब हाउ मेनी एक्स कैन एकोमोडेटेड, ये कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर सिंस हम लोग लिख सकते हैं, सिंस लेंथ ऑफ ईच मिरर इज इक्वल टू 2√3। ठीक है ना, सो देयरफॉर
नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कैन बी रिटेन लेंथ 2√3 डिवाइडेड बाई x है ना, पूरा 2√3 में हर x के बाद x विल बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन, यानी कि कितना ऐसा रिफ्लेक्शन एकोमोडेट होगा वो 2√3 बाई द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ से जब P2 से रिफ्लेक्ट करके आके इधर हिट करेगा, मान लो P3 है तो ये फिर से x होगा, यानी कि P2 और P3 सेकेंड और थर्ड के बीच में फिर अलॉन्ग द लेंथ x ट्रेवल कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब हर x डिस्टेंस के बाद वी कैन फाइंड आउट वन रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है कि इसको 2√3 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू जो यहाँ आया दैट इज 0.2 बाई √3, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 2 × 3 दैट इज 6 बाई 0.2 यानी 60/2 दैट इज 30। सो यानी कि 30 रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस है ना, 30 रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस फ्रॉम द इनिशियल एज ऑफ द प्लेट ए टिल द लास्ट पॉइंट ऑन द प्लेट वेयर रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस। सो दैट मीन्स ऑल टुगेदर 30 रिफ्लेक्शंस विल बी पॉसिबल बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट फेसिंग ईच अदर इन द गिवन कंडीशन, ठीक है ना। तो नोट कर लो, देख लो इसको। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दो प्लेन मिरर को ऐसे रखूं, इफ टू प्लेन मिरर आर केप्ट एट 90 डिग्री टू ईच अदर, द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस केप्ट 90 डिग्री टू ईच अदर, सो देन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पी, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पी, सपोज इफ दिस पॉइंट इज 0, 0 and this line is referred as x-axis, this plane mirror is position referred as y-axis. So obviously this position of the point object can be referred as x comma y. So this distance will be x and this distance will be y. So question hai, for any position of the object, any position of the object P as x comma y for any position of the object as P as xy, find locus of its image. इसका जो इमेज बनेगा हर पॉसिबल पोजीशन ऑफ एक्स वाई एज एन ऑब्जेक्ट पोजीशन विच इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट पोजीशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो क्वाड्रेंट प्लेन के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज द फर्स्ट मिरर एज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, सेकेंड मिरर प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस, दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। सो रिफ्लेक्टिंग फेसेस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एक्स वाई प्लेन। तो अगर एक्स वाई प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए है ना विथ एक्स वाई पॉजिटिव पोजिशंस, देन वॉट कैन बी द परमिसेबल पोजिशन ऑफ इमेज एंड हेंस फॉर ऑल सच पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट वॉट विल बी द लोकस ऑफ द इमेज। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो हम लोग अगर इसको इस तरह से ड्रॉ करें, एज वी नो दैट कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक्स कॉमा वाई पे लेता हूँ एज पी, as said that it is x distance from referred y axis which is the mirror 2 or
y distance as its position from mirror 1. तो obvious है कि जब object x distance in front of the mirror 2 है तो image भी x distance behind ये I2 होगा, that's the second image with respect to the second mirror. और इधर देखो ये I1 होगा about the first mirror. यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए due to two reflecting mirrors there will be two images. One will be about the mirror M1, that is whose object to image line will be parallel to y axis, and between the object with image 2 will be parallel to x axis. In fact, ये जो image है इसका जो distance होगा origin से वो उतना ही होगा जितना object का distance. उसी तरह यहाँ object का जो distance है the same distance will be here for I1 also. यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले ले, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ लेते हैं तो दिस आर द सेट ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट, बात समझ रहे हो? तो करस्पॉन्डिंग इमेज देखो, एक यहाँ होगा और दूसरा यहाँ होगा. यानी कि हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी द अगेन लाइन जॉइनिंग द टू इमेज. तो हर जो पॉसिबल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही होगा जितना उसका दोनों रेस्पेक्टिव इमेजेस का. यानी कि ये तीनों डिस्टेंस अगर सेम है तो तीनों को ज्वाइन करने से ऑब्वियसली ये एक सर्कल आएगा. यानी कि ये जो लोकस हो गया, दिस मीन्स लोकस ऑफ इमेज इज अ सर्कल, है ना? ये हर समय इस अरेंजमेंट में जो इमेज का पोजीशन होगा, सभी पॉसिबल इमेजेस ड्यू टू ऑल पॉसिबल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट विल बी अल्टीमेटली लाई ऑन अ सर्कल हुज सेंटर विल बी द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स, है ना? ठीक.